शहर का नंबर वन टीवी न्यूज सत्यवार्ता। मैं हूं नीलम तिवारी। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं। मिसेस नवी मुंबई स्पर्धा का चौथी बार हुआ आयोजन। डीएस एंटरटेनमेंट द्वारा चार वर्षों से लगातार नवी मुंबई में मिसेस सौंदर्य स्पर्धा नवी मुंबई का आयोजन करते आ रहे हैं। इस स्पर्धा में गृहिणियों को एक मंच देने व उनके आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में प्रीमियम एवं क्लासिक ऐसे दो गट हैं, जिसमें 40 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं का प्रीमियम गट और 40 प्लस उम्र की महिलाओं का क्लासिक गट में समावेश है। इसमें कुल 25 महिलाएं अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। ये स्पर्धा 25 दिसंबर 2018 को सिडको सभागृह वासी में होगा। पिछले वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भांति स्पर्धा की गई थी। इस वर्ष वृद्धा आश्रमों के लिए हाथ बढ़ाकर मदद करने का काम सखी फाउंडेशन के माध्यम से होगा, ऐसी जानकारी वासी में पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों को दी गई। इस कार्यक्रम के आयोजक दीपक शेट्टी ने बताया कि 4 साल से इवेंट हो रहा है, इस द फोर्थ सीजन है जी, और हर साल हम एक स्टेप आगे बढ़ते गए। एज अ हैशटैग से सजाओ सपने फिर से, लास्ट ईयर का था दिस टाइम फिर से ड्रीम्स डोंट डाई, जो महिलाओं का सपने जो एक्चुअली अधूरे रह गए हैं, जो शादी से पहले नहीं कर पाए फैमिली इशूज की वजह से, और शादी के बाद उनको इच्छाएं पूरी करनी थी, दैट इज द रीजन वी हैव क्रिएटेड मिसेस नवी मुंबई। So what kind of response you are getting from this women who are married, how their family is ready to support, how kind? Bilkul, there are some families who always support, but there are some families who abhi tak support nahi karte, but phir bhi wo log bahut, you know, misses event karna is very difficult anyway. बिकॉज इनके घर पे भी बहुत सारे काम रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो ये घर का काम करके बच्चों को संभाल के फिर आके यहाँ पर रिहर्सल करके फिर घर पे वापस जाके खाना बना के फिर तो सबको एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट जॉब है इनके लिए, एंड दे आर डूइंग इट वेरी ग्रेट। मतलब मेरे को मैं ब्लेस कि आई हैव सच ब्यूटीफुल मॉडल्स जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सर, हैव यू मेंशन that this event is now in Mumbai, already famous in India, and you are trying to reach out for the international level, what kind of promotion you are going to do? See, I tell you, we have tied up with the national pageant this year, okay? And most probably, और इस साल हम और उसको बड़ा कर रहे हैं ताकि international pageant से हमारे tie up हो जाए, and I'm sure कि next year, the fifth year, we'll be tied up with the international pageant. That's 100% sure, because we are talking terms, अभी हो रहा है, talking terms में है. Once this year is over, finalized, फिर हमारा हो जाएगा. Hi, मेरा नाम गुरमीत गरा है, and I'm the grooming expert for Mrs. Navi Mumbai for the fourth consecutive year. I'm very happy to meet the participants. मुझे इनको ग्रूम करना है, बट देर ऑलरेडी लाइक नो वेल ट्रेंड आई गेस, बट यू हैव टू जस्ट पॉलिश देम फॉर द बिग शो हैपनिंग ऑन 25th of December. आई विश दीपक शेट्टी डीएस एंटरटेनमेंट ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम फॉर द शो। थैंक यू। दिनेश। हाय, मेरा नाम दिनेश राजपुरोहित है, मैं ये शो के लिए रनवे डायरेक्टर हूँ। कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है, और एवरी ईयर दीपक शेट्टी नए नए कंडीशन लेके आता है, टफ कॉम्पिटिशन वाले, जिन्हें मुझे ट्रेन करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो इस बार भी काफ़ी अच्छे लेवल पर शो हो रहा है। All the best to DS Entertainment, Mrs. Navi Mumbai. Last sir, आपकी शुभकामनाएं दीजिए। Good evening, मेरा नाम राज शेट्टी है, मैं क्रिस्टन इवेंट्स इवेंट पार्टनर हूँ इसमें। सो मेरा यही बेस्ट विशेष है कि मतलब DS Entertainment ऐसा कहा है विपक्ष शेट्टी ने कि ये शो अभी नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक इसे ले जाना है, इसके लिए बेस्ट विशेष है। थैंक यू। नमस्कार, मैं नाजीम शेख। डीएस एंटरटेनमेंट और दीपक शेट्टी जो मिसेस नवी मुंबई करते आ रहे हैं पिछले 4 सालों से, हम लोग पिछले साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती रहती है, इसके साथ साथ सोशल पास करने की एक इच्छा होना अपने अंदर और उसके लिए कोई कदम बढ़ाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है। जैसे दीपक शेट्टी और हम लोग इस जुड़ गए इस प्रोजेक्ट में भी, तो जो भी प्रॉफिट होगा उससे कुछ परसेंटेज हम लोग ओल्ड एज होम के लिए, लास्ट ईयर हम लोग ने ऑर्फनेज के लिए किया था, इस साल हम लोग ओल्ड एज होम के लिए कर रहे हैं। तो जैसे इसका टैगलाइन है कि सजाओ सपने फिर से, वही हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बूढ़े लोग हो जाते हैं जिनको देखने वाला भी कोई नहीं होता है, जो ओल्ड एज होम में पड़े हुए होते हैं, उनके भी काफ़ी सारे अरमान होते हैं, उन अरमानों को हम फिर से पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी भी प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करने वाले हैं और मिसेस नवी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर। थैंक यू सो मच, और ऐसे इनिशिएटिव्स आते रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। अभी सागर शिंदे एस एम हॉस्पिटल तरफ इवन ये कंटिन्यू 4 वर्षापासून चाललेलं आहे, आणि आज आमचं प्रथमच वर्ष आहे याच्यामध्ये आम्ही जे इव्हेंटसाठी होस्ट केलेलं आहे, आणि आम्ही खूप आनंदित आहोत की या प्रसंगामध्ये जे आम्ही होस्ट करतो आहे हा इव्हेंट।
बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।